आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए कुछ टीमों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, कुछ टीमों ने आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए चार टीमों ने अपने कप्तानों को बदलने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर चार आईपीएल टीमों ने अब आईपीएल 2023 के एडिशन में अपनी टीमों के कैप्टन्स को बदलने का फैसला लिया है। मैं इस वीडियो में आपको इन टीमों के नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सी चार टीमों की तरफ से आईपीएल 2023 के एडिशन में आखिर कौन से नए प्लेयर्स हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला कर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए कौन सी चार टीमें अपने कप्तानों में बदलाव करेगी और कौन से प्लेयर इन टीमों की तरफ से आखिर कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है कोलकाता का। दरअसल कोलकाता की टीम की मैनेजमेंट और सीईओ इसके साथ यहाँ पर सुरेश अय्यर के बीच यहाँ पर कुछ विवाद हो चुका है, जहाँ पर सुरेश अय्यर इस टीम की मैनेजमेंट से कुछ नहीं है। तो अगले साल सुरेश अय्यर इस टीम में अब कंटिन्यू नहीं रहेंगे और कोलकाता की टीम भी बता चुकी है कि आईपीएल 2023 के एडिशन में ये टीम नए कप्तान की अनाउंसमेंट करेगी। ये टीम यहाँ पर नया कप्तान अपनी टीम में नियुक्त करेगी और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आंद्रे रसल को शायद ये टीम कप्तान के रूप में नियुक्त करें। आंद्रे रसल आईपीएल 2023 के एडिशन में अब इस टीम के न्यू कैप्टन रहेंगे। तो कुल मिलाकर कोलकाता की तरफ से ऑलमोस्ट 90% ये कंफर्म है कि अगले आईपीएल एडिशन में अब सुरेश अय्यर के स्थान पर आंद्रे रसल इस टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस टीम का सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। तो दूसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब का। दरअसल पंजाब के लिए भी मयंक अग्रवाल का यहाँ पर ऑन ऑफ सीजन रहा है। मयंक अग्रवाल कप्तान के तौर पर यहाँ पर बल्ले के साथ पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। मयंक अग्रवाल की कप्तानी फिर भी यहाँ पर पूरे एडिशन में ऑन ऑफ रही है, लेकिन बल्ले के साथ उनका काफी खराब फॉर्म रहा है। इसी वजह से यहाँ पर पंजाब की टीम ने यह बताया कि 2023 का आईपीएल एडिशन में ये टीम नए कप्तान की तलाश में, नया कप्तान ये टीम नियुक्त करी और खबरों के अकॉर्डिंग शायद बेन स्टोक्स पर ये टीम दाव खेल सकती है। बेन स्टोक्स को ये टीम अपना कप्तान बना सकती है क्योंकि बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टीम अपना कप्तान बना चुकी है। तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को अब पंजाब की टीम अपने कप्तान के रूप में कंसीडर कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरी टीम की। तो तीसरे नंबर पर नाम आता है हैदराबाद की टीम का। दरअसल हैदराबाद के लिए भी केन विलियमसन का हेज कैप्टन यहाँ पर काफी खराब सीजन रहा है। कुल मिलाकर बल्ले से तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, इसके साथ यहाँ पर कप्तान के तौर पर भी उनका एवरेज सीजन रहा है। तो यहाँ पर हैदराबाद की टीम भी नए कप्तान की यहाँ पर तलाश में, हालांकि अभी तक इस टीम की तरफ से प्लेयर का नाम रिवील नहीं हुआ है कि कौन से प्लेयर को आखिर ये टीम कैप्टन के रूप में नियुक्त करेगी। लेकिन हैदराबाद की टीम भी अब नए कप्तान की तलाश में, हैदराबाद की तरफ से भी अगला आईपीएल एडिशन में अब ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म है कि हमें नए कप्तान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी टीम की। तो चौथे और आखिरी नंबर पर नाम आता है आरसीबी का। दरअसल आरसीबी के लिए आईपीएल 2022 के एडिशन में फैफ डुप्लेसी ने कप्तानी करी और फैफ डुप्लेसी का कप्तान के तौर पर इस टीम के लिए अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। लेकिन यहाँ पर आरसीबी की टीम भी अब आईपीएल 2023 के एडिशन में नए कप्तान को देख रही है। नए कप्तान को ये टीम अपनी टीम में शामिल करके ग्रूम करना चाहती है ताकि आने वाले सालों में कप्तान को यहाँ पर अपने साथ लॉन्ग टर्म रख सके। अगर यहाँ पर केकेआर की टीम सुरेश अय्यर को अपनी टीम से रिलीज करेगी तो शायद आरसीबी की टीम अय्यर को परचेस कर ले, अपनी टीम में ग्रूम कर ले, अपनी टीम में यहाँ पर कप्तान के तौर पर या फिर एज अ प्लेयर अपनी टीम में उनको ग्रूम कर ले, अपनी टीम में कंटिन्यू रख ले। तो ये चार टीमें आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए अपने कप्तान बदलने का यहाँ पर मन बना चुके, अपनी तरफ से यहाँ पर कंफर्म कर चुके। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन कौन सी टीमों का आईपीएल 2023 के एडिशन में कप्तान में बदलाव करना चाहिए और आपकी फेवरेट टीम को आखिर कौन से प्लेयर को कप्तान बनाना चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।